अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने ओलेक्स पे एक ऐड देखा है, उसके अंदर ना हम चूज़े ढूंढ रहे थे, तो चूज़े तो उसके पास फिनिश हुए थे। तो उसने कहा उसके पास ना एक सिल्की हैन है, हैन नहीं है, मेल है, पट्ठा है अभी, तो एक क्या नाम है चिक्स है, तो वो कहता वो ले जाओ, तो अभी हम वही लेने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं चूज़े लेने, जैसा कि हमने आप लोगों को कहा था। दोस्तों अब हम ले आए हैं, तो वो जैसा हमने सोचा था वैसा तो निकला नहीं, वो छोटा निकला है, उसके ना मतलब पर पे हल्की सी चोट लगी हुई है, तो वो वही हम ले आए हैं। साथ उसने एक बच्चा दिया है, तो वो बच्चा उसके साथ था, तो वो साथ लेके आए हुए हैं, तो वो भी हम लेके आते हैं। ये अमर के पास है, इसको नीचे छोड़ो। ये साथ उसके एक छोटा सा चिक्स है, ये अभी मतलब सर्दी बहुत है, इसको अभी ना हम इंक्यूबेटर में रखते हैं। गाइस अभी ना हम एक एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं, हम ना सिल्की को वो जब भी पट्ठा लेके आए उसको ना दूसरे छोटे फ्लैश गैंग के साथ छोड़ने लगे हैं, फ्लैश लोगों के साथ, देखते हैं इनको कुछ कहता है कि नहीं या फिर इनके साथ रहता है। और छोटे चिक को ना अभी हम रख देते हैं इंक्यूबेटर में, तो अभी छोटे को भी हम इंक्यूबेटर में रखते हैं। अमर छोटे चूजे को ले आओ यार, तो ये अभी हमने बाहर ही रखा होगा, बाहर ही ये नीचे फिर रहा है, खेल रहा है, फ्रेश है, तो ये छोटे को अभी इंक्यूबेटर में रखने लगे हैं। हाँ अंदर आ दो, अभी अंदर ना ये गर्म रहेगा क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो अभी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। ओ बात किधर रहा है, देखते हैं इनके साथ रहता है कि नहीं। ओए बड़ा तेज है, ओए कुछ भी नहीं कह रहा ये तो, ओए खा रहा है, चोकर खा रहा है, थोड़ी सी फीड भी लाग डाल देते हैं। दोस्तों अभी हम ना चूज़ों को और सिल्की जो अब नया पट्ठा लेके हम सबको ना अभी ऊपर लाने लगे, धूप बहुत प्यारी निकली है, पहले धूप नहीं निकली थी, हम नीचे ही ले गए थे, और छोटे चूज़े को हमने इंक्यूबेटर में शिफ्ट कर दिया, उसको भी निकाल के लाने लगे। अभी हमने सोचा कि हम ना पिंजरे के अंदर ही ना गत्ताला रख के ना अंदर टूडी बिछा दे ताकि उसके साथ ही रहे, वो अकेला शोर बहुत मचा रहा है, वैसे उनके साथ रहेगा तो चुप हो जाएगा। वो अमर अभी लेके आ रहा है सब चूज़ों को, चूज़ों को अमर ये बाहर ही छोड़ दे। वैसे तुम अमर तुमने इसका नाम सोचा है? इसका? ये सिल्की का नहीं, मैं सोच रहा इसका नाम स्नो रख दे, वाइट कलर का है ना। ये देखे अब ये वाला चूज़ा, इसकी भी टांग पहले से बेहतर हो गई है। चलो बाहर निकलो के खान में, ओ सब धूप सेक ले। इसको मैं सोच रहा हूँ कि अभी अंदर ही रहने देते कि निकाल दे। मैं सेटिंग कर लेना अंदर, वो इसका तो पीटी बड़ी पड़ी है पीटी यार। चलो अंदर उनके साथ ही रहो। दोस्तों अभी ना धूप बहुत ज़्यादा आ जा रही है, तो चूज़े भी एक जगह पे इकट्ठे होके बैठ के हैं, उनको सर्दी वगैरह लग रही है, तो अभी हम ना पिंजरा हमने रेडी कर लिया है, उसमें इनको शिफ्ट करते हैं और नीचे ले चलते हैं। कभी धूप आ जाती है, देखे अभी आ गई है, फिर चले जाएगी, फिर आ जाती फिर चले जाती है। ये पिंजरा हमने रेडी कर लिया है, तो अभी इसमें हम इनको शिफ्ट करते हैं तो ले चलते हैं। अमर आ जाओ यार, इनको शिफ्ट करें हम। सिल्की को जोली में रखा है छोटे छोटे को, सर्दी लग रही थी। चलो इसको फिर इनके साथ ही रखना है कि उसको फिर इंक्यूबेटर में शिफ्ट रख देते हैं, इनके उनके नीचे बैठ जाएगा। चलो ठीक है। अमर ना अभी चूजे लेके नीचे आ रहा है, हम ना अभी ना पानी मीठा पानी बनाने लगे ताकि जो छोटा चूजा है ना ताकि वो पीले, उसकी पोट वगैरह साफ हो जाए। जो छोटे चूजे होते हैं ना उनको वैसे तो उनके अंदर होता है दो दिन का खाना, ये मुझे भी एक दिन का लग रहा था, एक या दो दिन का, तो हमें मीठा पानी बना के डाल देते ताकि जिससे ना इसकी पोट वगैरह साफ हो जाए, बाद में इसकी पोट वगैरह ना जाम हो।
अभी हम इंक्यूबेटर के अंडे ला दें, उसके बाद टेम्परेचर वगैरह भी इसका ओके है तकरीबन। जल्दी हम इनकी ना कैंडलिंग करेंगे, मतलब 15-20 दिन बाद कैंडल, 15 दिन बाद कैंडलिंग करेंगे, तब तक ना वाजिया हो जाता है बच्चा बन रहा है कि नहीं बन रहा। हमने ये 6 अंडे मियाँ वाली सी नस्ल के ला के रखे थे किसी से, पता नहीं अब वो फर्टाइल हैं कि नहीं है, तो वो कैंडलिंग के बाद ही पता चलेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।